कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी आरएसएस मानहानि मामले में आज भिवंडी कोर्ट में पेश हुए। दरअसल महात्मा गांधी की हत्या के संबंध में उन्होंने आरएसएस पर टिप्पणी की थी, जिसके खिलाफ आरएसएस के एक कार्यकर्ता ने कोर्ट में मानहानि का मुकदमा दायर किया था। सुनवाई के लिए पहुंचे राहुल गांधी ने कोर्ट के बाहर कहा कि मेरी लड़ाई उस विचारधारा के खिलाफ है जिसने गांधी जी की हत्या की, जिन्होंने गांधी जी को कैलेंडर से हटा दिया। गांधी जी हमेशा भारत के दिल में रहेंगे। वो गांधी जी को मार सकते हैं लेकिन उन्हें मिटा नहीं सकते। इससे पहले पिछली सुनवाई के दौरान भिवंडी में मजिस्ट्रेट की अदालत ने राहुल को जमानत दे दी थी। उस समय भी राहुल गांधी अदालत में पेश हुए थे। अदालत ने मामले को 30 जनवरी तक के लिए स्थगित कर दिया था। आपको बता दें कि 2014 में एक भाषण के दौरान राहुल गांधी ने कथित तौर पर दावा किया था कि आरएसएस के लोगों ने गांधी जी की हत्या की, जिसके बाद आरएसएस के स्थानीय पदाधिकारी राजेश कुंटे ने राहुल गांधी के बयान को लेकर मानहानि का मामला दर्ज कराया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। इसके बाद राहुल गांधी अदालत में पेश हुए थे। राहुल गांधी के मुताबिक उनकी लड़ाई उस विचारधारा के खिलाफ है जिन्होंने गांधी जी को कैलेंडर से हटा दिया। कोर्ट में पेशी के बाद राहुल गांधी ने गोवा में एक चुनावी रैली को भी संबोधित किया। देखते रहिए डीबी लाइव।